जय हिंद प्यारे दोस्तों। गाइस आज के वीडियो में हम एक ही लाइट को डबल पॉइंट से आप किस प्रकार से चला सकते हो, ये हम आपको आज के इस वीडियो में प्रैक्टिकली दिखाने वाले हैं। दोस्तों ये बहुत ही एक सिंपल सिस्टम है। लोग अपनी बाइक का जो ब्रेक लाइट है उसको मॉडिफाइड करने जाते हैं, तो उसको मॉडिफाइड करने के लिए ये सिस्टम बहुत ही काम में आ सकता है। और किसी और जगह पर भी आप ऐसा सिस्टम लगा के आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो के लास्ट एंड तक, क्योंकि काफ़ी कुछ इस वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है पवन और आप देख रहे हो आप लोगों का फेवरेट यूट्यूब चैनल इंजीनियर पवन। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। चल चला मैं वीडियो शुरू करूँ यार, ठीक है। दोस्तों क्या एक लाइट को डबल पॉइंट के साथ चला जा सकता है? जी हाँ, आपको मैं आज के इस वीडियो में ये मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। गाइस बहुत ही सिंपल तरीके से आप एक ही लाइट से दो पॉइंट को चला सकते हो। देखिए बहुत से भाई जो अपने गाड़ी का जो बैक लाइट रहता है जिसको हम ब्रेक लाइट बोलते हैं, तो उसमें बहुत से भाई उनको ब्रेक लाइट में LED फिट करना होता है। तो हमारा ब्रेक लाइट में वहाँ पर डबल पॉइंट होता है, जिसे एक पार्किंग पर होता है और एक ब्रेक दबाने पर फुल ग्लो करता है। तो गाइस जो पार्किंग का पॉइंट होता है वो जिसे ही हम हेडलाइट को ऑन करते हैं तो वो पार्किंग का पॉइंट वहाँ पर डिम चलता है, और जिसे ही हम ब्रेक को दबाते हैं तो वो जो लाइट है वहाँ पर वही लाइट वहाँ पर फुल रेड कलर में ग्लो करता है। तो वहाँ पर एक हैलोजन बल्ब होता है डबल पॉइंट का, जिसे हम हैलोजन नॉर्मल ब्रेक लाइट कहते हैं। लेकिन जब बहुत सारे भाई क्या करते हैं, अपनी गाड़ी का जो बैक लाइट लेता है उसमें इस प्रकार के LEDs फिट करते हैं, तो वहाँ पर उन्हें पार्किंग के लिए अलग लाइट और ब्रेक के लिए अलग लाइट लगाना पड़ता है। तो बहुत से भाइयों को ये कन्फ्यूजन रहता है, तो वो दो लाइट लगाते हैं। लेकिन गाइस हम यहाँ पर आपको एक अलग तरीका दिखाने वाले हैं। हालांकि हमने इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया है जिसमें हमने स्प्लेंडर का जो ब्रेक लाइट है उसको मॉडिफाइड किया था, तो उसमें भी हमने दो अलग अलग लाइट यूज़ किए थे। वो बहुत पहले हमने वो वीडियो अपने चैनल पर अपलोड किया था, आई थिंक एक साल से ऊपर हो चुका है। तो चलिए गाइस अभी हम आपको एक ही लाइट को दो पॉइंट से किसे चलाना है ये अभी हम आपको दिखाएंगे। देखिए आपको सिंपली यहाँ पर डायोड लेने हैं, इसी डायोड कहते हैं। आप कोई भी डायोड ले सकते हो, यहाँ पर मैं 1N4007 ये डायोड यूज़ करूँगा। अभी इसका एम्पियर कैपेसिटी 1 एम्पियर है। अगर आपका लाइट का लोड अगर ज़्यादा रहेगा तो आपको यहाँ पर डायोड के एम्पियर बढ़ाने होंगे। यहाँ पर आप 1 एम्पियर की जगह पर 2 एम्पियर 6 एम्पियर डायोड ले सकते हो, ओके। लेकिन LED का कोई इतना ज़्यादा पावर कंजम्पशन होता नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पर 1 एम्पियर का डायोड यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर गाइस पहले आपको डायोड को चेक कर लेना है, उसके बाद ही आपको यहाँ पर इसका कनेक्शन करना है। क्योंकि अगर इसमें से अगर एक भी डायोड अगर ख़राब रहता है तो आपका गाड़ी का जो सर्किट है उसमें दिक्कत हो सकती है। जैसे अगर आप ब्रेक दबाते हो तो आपका गाड़ी का पार्किंग कनेक्शन ऑन हो जाएगा, और अगर आप पार्किंग ऑन करते हो तो ब्रेक का लाइट भी वहाँ पर ऑन हो जाएगा। इसीलिए आपको डायोड सही तरीके से लगाने हैं। डायोड आपके ओके होने चाहिए, दोनों में से एक भी डायोड ख़राब नहीं होना चाहिए। तो डायोड को चेक कैसे करना है, मल्टीमीटर को हम यहाँ पर डायोड मोड पर करते हैं, ठीक है। हमने मल्टीमीटर को यहाँ पर डायोड मोड पर कर दिया है, ओके। ये मल्टीमीटर का वीडियो आप ज़रूर देखिए अपने चैनल पर। अभी गाइस डायोड को चेक कैसे करना होता है, देखिए यहाँ पर इसका एक एनोड पिन होता है और एक कैथोड पिन होता है। देखिए यहाँ पर इसके ऊपर आपको एक सिल्वर रिंग दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर इसका इस वाले पिन में एक सिल्वर रिंग है यहाँ पर, और ये जो है इस साइड में कुछ नहीं है। तो ये जो पिन है इसका एनोड है और ये पिन इसका कैथोड है, ठीक है। तो यहाँ पर सिल्वर रिंग इसका ये कैथोड वाले पिन में होता है। तो अभी हमने मीटर को यहाँ पर डायोड मोड में कर लिया है, और अभी हम मीटर को लगाएंगे।
तो जिस साइड सिल्वर रिंग है वहाँ पर आपको ब्लैक प्रॉब लगाना है और इसके अपोजिट में यहाँ पर आपको रेड कलर का प्रॉब लगाना है। देखिए यहाँ पर ये कुछ रेजिस्टेंस हमें यहाँ पर मिल रहा है, इसका मतलब यहाँ पर डायोड ओके है। तो इस प्रकार से आप डायोड चेक कर सकते हो। तो ऐसे ही हम यहाँ पर दोनों डायोड को चेक कर लेते हैं। इस साइड में सिल्वर रिंग है, याद रखिए, देखिए ओके। ये डायोड क्या करता है गाइस, इस साइड से ये पॉजिटिव वोल्टेज को इस साइड भेजता है, लेकिन यहाँ से वापस इस साइड नहीं आने देता है। यही डायोड का काम है, ये वोल्टेज ब्लॉकिंग करता है, एक ही दिशा में ये करंट को वोल्टेज को फ्लो करता है। ठीक है, देखिए अभी एसी रीडिंग दिखा रहा है मीटर के अंदर, आप देख सकते हो ओके। अभी सपोज हम इसको ऐसे लगाएंगे, रेड प्रॉब को हम लगाते हैं सिल्वर रिंग की साइड में और इसको हम लगाते हैं ऐसे। तो देखिए ये जो है यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखा रहा है, डायरेक्टली ये ओपन सर्किट यहाँ पर दिखा रहा है। और वापस से हम अगर उसको ऐसे लगाएंगे तो ये यहाँ पर उसका रेजिस्टेंस दिखाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 400 के आगे ही इसका रेजिस्टेंस यहाँ पर होना चाहिए, तब डायोड हमारा ओके है। अभी अगर यहाँ पर अलग एम्पीयर का डायोड है तो उसका रेजिस्टेंस आपको अलग मिल सकता है। दोस्तों अभी हमने यहाँ पर दो डायोड यहाँ पर लिए हैं, ठीक है। अभी हम इन दोनों का जो सिल्वर रिंग वाला जो पिन है, दोनों का सिल्वर रिंग वाला पिन इस साइड में है, तो हम इन दोनों को आपस में यहाँ पर कनेक्ट कर लेते हैं इस प्रकार से ओके। अभी गाइस यहाँ पर आपका लाइट का पॉजिटिव सप्लाई यहाँ पर लगेगा, ठीक है, इस वाले पिन पर आपका लाइट का पॉजिटिव सप्लाई यहाँ पर लगेगा। अभी यहाँ पर अपने दो इनपुट यहाँ पर हो चुके हैं। अभी हमें यहाँ पर एक डायोड पर एक रेजिस्टर हमें यहाँ पर लगाना है, तो इसको मैं यहाँ पर अपने हेल्पिंग स्टैंड में इसको मैं एडजस्ट करता हूँ। किसी भी एक डायोड का एक पिन को मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ। अभी यहाँ पर हमें एक रेजिस्टर लेना है, ये रेजिस्टर 1K का है, यानी 1000 ओहम, ठीक है। मैं आपको मल्टीमीटर में चेक करके दिखाता हूँ। मल्टीमीटर को हमने कर लिया है ओहम पे, ठीक है। ये जो है ऑर्डर रेंज है, तो ये हमने इसको डायरेक्टली रेजिस्टेंस मोड पर कर लिया है। अभी हम इसको यहाँ पर लगाते हैं, देखिए यहाँ पर ये 0.900 किलो ओहम दिखा रहा है, इसका मतलब ये 1K के आसपास है। इसमें थोड़ा बहुत कम ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है। इसके ऊपर जो कलर कोड है, इससे हम इसको 1K का रेजिस्टर कहते हैं, क्योंकि 1K का जो रेजिस्टर होता है उसका कलर कोड ब्राउन, ब्लैक और रेड होता है। अब इस रेजिस्टर को हमें यहाँ पर कनेक्ट करना है इस डायोड पर, तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा सोल्डरिंग पेस्ट लगा लेता हूँ। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने इसको यहाँ पर कनेक्ट कर लिया है, ठीक है। अभी हम आपको लाइट को यहाँ पर टेस्टिंग करके दिखाते हैं। देखिए अभी ये 12 वोल्ट का LED है ओके, और ये भी है, तो दोनों को मैं आपको टेस्टिंग करके दिखाऊंगा। देखिए अभी यहाँ पर ये जो इसका पॉजिटिव वायर है, इसको हम लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है, जिस साइड दोनों सिल्वरिंग हमने आपस में कनेक्ट किए थे डायोड के, तो यहाँ पर ये आपका पॉजिटिव सप्लाई लगेगा ओके। अभी ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव हमने यहाँ पर लगा दिया है, ये पावर सप्लाई का नेगेटिव मैंने यहाँ पर लगाया, ठीक है। अभी पॉजिटिव हमें यहाँ पर और यहाँ पर हम पॉजिटिव दे सकते हैं। अभी जो पॉजिटिव सप्लाई है, अगर हम इसको लगाते हैं रेजिस्टेंस पर, तो ये यहाँ पर डिम चलेगा ओके, थोड़ा सा नॉर्मल ये डिम यहाँ पर ग्लो करेगा। और अगर हम इस पर लगाते हैं इस वाले डायोड पर, तो ये जो है यहाँ पर बहुत ही पावरफुल ये यहाँ पर ग्लो कर रहा है और यहाँ पर ये थोड़ा सा डिम चलेगा ओके। तो इस प्रकार से ये आपका हो गया पार्किंग वाला पॉइंट। देखिए ये हो गया आपका पार्किंग वाला पॉजिटिव सप्लाई और ये हो गया आपका ब्रेक का पॉजिटिव सप्लाई, ठीक है, ये पार्किंग वाला और ये ब्रेक का पॉजिटिव सप्लाई। अभी मैं यहाँ पर देखिए सपोज मैं इसको यहाँ पर लगा देता हूँ, ठीक है। और अभी हम इसको यहाँ पर देखिए, हम इसको जैसे अगर हम ब्रेक दबाएंगे तो ये देखिए कुछ इस प्रकार से यहाँ पर ग्लो करेगा ओके। तो ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पर ग्लो करेगा, और जैसे ही अगर हम ब्रेक दबाते हैं तो कुछ ये इस प्रकार से ग्लो करेगा। देखिए ठीक है, तो ये एकदम प्रॉपर तरीके से अभी यहाँ पर वर्किंग कर रहा है।
ओके, तो इस प्रकार से गाइस आप इसको कर सकते हो। देखिए इस वाली लाइट को मैं यहाँ पर लगाता हूँ, इसका पॉजिटिव मैं यहाँ पर कनेक्ट करता हूँ। ओके, अभी इसका नेगेटिव सप्लाई मैं यहाँ पर कनेक्ट करता हूँ। देखिए अभी हम यहाँ पर लगाते हैं इसको सप्लाई। देखिए इसका पार्किंग मोड और इसका ब्रेक मोड। ओके, ब्रेक पर ये काफ़ी पावरफुल आपको दिखाई देगा, इसका पार्किंग मोड, इसका ब्रेक मोड। ठीक है, अभी हम पार्किंग को यहाँ पर ऑन कर देते हैं। ठीक है, और जैसे ही अगर हम ब्रेक दबाते हैं तो ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पर फुल ब्राइटनेस में ग्लो ये करेगा। ठीक है, तो गाइस इस प्रकार से आप एक ही लाइट से यहाँ पर दो पॉइंट चला सकते हो, एक पार्किंग जिसको हम ड्राइविंग मोड बोलते हैं और दूसरा ब्रेक। ठीक है, तो एक ही लाइट से आप डबल पॉइंट को चला सकते हो इस प्रकार से। ठीक है, अब ये सिस्टम आप गाड़ी में यूज़ करना चाहते हो तो गाड़ी में यूज़ कीजिए, या फिर आप किसी और जगह पे अगर यूज़ करना चाहते हो तो उस जगह पे आप इसको यूज़ कर सकते हो। ओके, तो गाइस आई होप कि आप लोगों को ये आइडिया काफ़ी अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना, और अपने चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। और गाइस मैंने ये वीडियो इतना लंबा क्यों बनाया, क्योंकि आप लोगों को डिटेल्स में नॉलेज दे सकूँ इसीलिए। अभी देखिए जो मैंने आपको यहाँ पर ये बात समझाई, ये डायोड किस प्रकार से काम करता है, इनको चेक कैसे करना है, तो ये सब कुछ आपको फुल नॉलेज इस वीडियो में मिल चुका है। अगर इसमें से कोई भी डायोड अगर ख़राब होता है तो आपकी गाड़ी का जो पार्किंग और ब्रेक का जो कनेक्शन है उसमें 100% प्रॉब्लम होगा। यहाँ पर सपोज़ अगर आपका ये वाला डायोड ख़राब है, जिसे ही अगर आप यहाँ पर सप्लाई देते हो तो ये सप्लाई, ये डायोड के ख़राब होने की वजह से ये सप्लाई डायरेक्टली इस वाली वायरिंग में जाएगा, और यहाँ पर ब्रेक पे जो लाइट्स रहेंगे उनको भी ये पार्किंग का सप्लाई जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो है यहाँ पर प्रॉब्लम करेगा, इसीलिए हमने यहाँ पर ये दो डायोड लगाए हैं और दोनों को आपको चेक करके लगाना है। ठीक है, इसमें से कोई भी डायोड अगर ख़राब होता है तो आपको चेंज करना ही पड़ेगा यहाँ पर। ओके, ये बात आप ज़रूर याद रखिए। तो चलिए फिलहाल की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे हमारे नेक्स्ट किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।